ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। शार्क टैंक इंडिया के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। अगर आपको पता नहीं शार्क टैंक इंडिया क्या है, देन चेक आउट द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है शार्क टैंक इंडिया क्या है। नाउ एज यू नो देयर आर द 7 जजेस इन द शार्क टैंक इंडिया एंड अमंग द 7 जजेस एक जज ऐसा है जिसका एटीट्यूड काफी ज्यादा डिफरेंट है रिमेनिंग 6 जजेस से। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द अश्विन गौर, द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ भारत पे। कुछ लोग अश्विन गौर को मोस्ट एरोगेंट जज मानते हैं, बट कुछ लोग इसको रियल बिजनेसमैन मानते हैं। Now in this video we are going to look what some people call Ashwin Gaur a real businessman. Point number one. Now see, Gaur को जब भी कोई अपने business के बारे में बताता है तो उसका main interest numbers में रहता है, मतलब last year sales, profit, marketing, cost price, selling price. These are the points which Ashwin checks out. Including that, Ashwin ये भी check करता है कि आने वाले time में क्या ये business grow होगा या नहीं. Point number two. अश्विन कभी भी इमोशनल बेस पे डील नहीं करता, जबकि आपने नोटिस किया होगा जो रिमेनिंग जज हैं कभी कभी वो डील इसीलिए करते हैं कि वो इमोशनल हो जाते हैं, जैसे कि जुगाड़ो कमलेश की एपिसोड में आपने जरूर देखा होगा। आपने लोन लेने की कोशिश क्यों नहीं की? देगा कौन? मैं दूंगा। पॉइंट नंबर थ्री, अश्विन को अगर लगता है कि ये बिजनेस फ्लॉप है, आने वाला टाइम में ये नहीं चलने वाला या इस बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं है, तो वो फेस पे बता देता है। और यही पॉइंट काफी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा लोगों को यही चीज पसंद है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आपको क्या लगता है अश्विन के बारे में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय।